यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं, बाबा की साकार की वो स्मृतियां, यादें आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह वा याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। एक वैरायटी मालाएं डाली, दूसरा याद और प्यार के दिल के गीत सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की और भिन्न भिन्न वरदानों की माला पहना रहे थे। सुना, भगवान ने भी रिटर्न में शक्ति और वरदानों की माला पहनाई। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संशोज फादर का विशेष दिवस है। कहाँ पर? इस साकार मंच पर। तो 18 जनवरी के दिन क्या हुआ था? बाबा अव्यक्त हुआ, तो उसको बाबा ने कौन सा दिन कहा? सन शोज फादर। बाबा ने बच्चों का शो किया, बाबा अव्यक्त हो गया और निमित्त किसको बनाया? बच्चों को निमित्त बना करके बाबा गया, इसलिए उसको कहा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिवस है। जब तक बाबा साकार में थे तो निमित्त कौन था? जवाबदारी किसकी थी? बाबा की थी। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने उसको क्या कहा? बच्चों को सेवा के मंच पर बिठाने जवाबदारी दी व जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिवस है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। आप सबको ये बाबा की हिस्ट्री तो मालूम है ना? जिस समय बाबा अव्यक्त हुए तो अंत में बाबा के सामने में हमारी दादी प्रकाशमणि थी और बाबा का हाथ दादी के हाथ में था। तो जैसे अंत में बाबा अपनी सर्व शक्तियों की पावर विल करके गए, वो दादी को दे करके गए, और फिर उसके बाद बाबा ने उनको इस यज्ञ को संभालने के निमित्त, जिसको आज बाबा ने ताजपोशी का दिन कहा। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं
और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। है हम सब में उमंग और उत्साह, हर एक बच्चा, बाबा ने कहा। मेजोरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। आपका पुरुषार्थ बाबा ऊपर से देखता है। रिजल्ट में क्या कहा, मेजोरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। सुना, बच्चे तो हैं बाबा की याद में लवलीन, हम सबको अपने बाबा की वो स्मृतियाँ आती हैं, लेकिन रिटर्न कितना बड़ा, बाबा हमारी याद में लीन है। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, अब आप बाबा को इमर्ज करो, वतन में हम सब हैं और बाबा हम एक एक की क्वालिटी देख रहा है, इस बच्चे में ये विशेषता है, इस बच्चे में ये विशेषता है, क्योंकि कोई भी बाबा का बच्चा भले कितना भी साधारण बुद्धि का क्यों ना हो, लेकिन कोई भी विशेषता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी जो विशेषताएं हैं उनको बाबा देख रहे हैं। फिर उन विशेषताओं को देखते हुए बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, कौन से बोल, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, अब आगे बढ़ो, और क्या हुआ, दूसरा दृश्य। जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे बोल रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा और जमुना बह रही थी। किसने कहा वाह बच्चे शाबाश बच्चे, तो जब बाबा बाबा के सामने, बच्चे बाबा के सामने में थे, तो वो सुन करके हर एक के नैनों से बाबा ने कहा गंगा और जमुना बह रही थी, वो स्नेह के अश्रुधारा। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था, ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान पर अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा, वतन में भी और हर सेवा केंद्र पर भी। बाबा के हर घर में विशेष तपस्या और भट्टी का कार्यक्रम रहता है, तो वहाँ के दृश्यों को भी बाबा ने देखा। साकार दुनिया में जो बाबा ने देखा, तो फिर बाबा कहते हैं अब आगे क्या करना है, वतन का समाचार भी सुना दिया, इस साकारी दुनिया का समाचार भी सुनाया, तो बाबा पूछते हैं आगे क्या करना है। स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है, हम सब बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता उसका यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। जो बाबा को याद करते हैं, स्मृति में रहते हैं, उस स्मृति से समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति
अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। सुना क्या कहा बाबा ने, रिपीट करो कोई। एक मिनट नको, अभी बाबा ने कौन सा महावाक्य उच्चारा भाइयों को पूछ रहे, क्या सुन रहे हैं बाबा ने अभी क्या कहा, फिर से सुनो। बाबा ने कहा जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया ना। जिस सेकंड हमें बाबा में निश्चय हुआ उसी सेकंड हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया, हम बाबा के बने। दिल ने जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई। कौन सी स्मृति? मेरा बाबा। तब जन्म सिद्ध अधिकार मिला ना, हम उसके बच्चे बने। तो बाबा ने कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी है। कौन सी स्मृति? मैं बाबा का बाबा मेरा, ये सर्व शक्तियों की चाबी है। ये स्मृति गोल्डन की है, टाइटल दिया ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। मैं बाप की, मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ तो निश्चय में कितना टाइम लगा? भले आपको 15 दिन के बाद, 1 मास के बाद या 2 मास के बाद ये निश्चय हुआ, लेकिन जिस घड़ी निश्चय हुआ उस समय कितना समय लगा? सेकंड लगा। कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, फिर बाबा पूछ रहे हैं सभी अधिकारी बने हैं ना या बन रहे हैं? सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं? क्या जवाब देंगे बाबा को? जो बने हैं वो हाथ खड़ा करो। तो बन रहे हैं, 1 सेकंड में हम अधिकारी बन गए ना, तो अभी बन रहे का प्रश्न ही नहीं है। हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए, अब हमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा अधिकारी बन गए हैं, पक्का है? कैसे बाबा पढ़ाता है, हाँ कहा तो फिर पूछ रहा है पक्का है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, तो सबने बाबा को हाँ कहा है। तो बाबा फिर उसको देखो कहता है पक्का? फिर कहा पक्का, फिर तीसरा बारी कहा पक्का, हम सब बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए, ये पक्का है? बाबा को बोलो हाँ जी बाबा, हम आपके पक्के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। मुबारक बाबा ने किसको दी? हमें अधिकारियों के स्वरूप में देखा, तो मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। तो बाबा ने कहा एक हाथ उठाओ, मिली हैं,
हमें बाबा से सर्वशक्तियाँ मिली हैं। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तियाँ मिली हैं ना, या किसको 8 मिली हैं और किसको 6 शक्तियाँ मिली हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमें बाबा से सर्वशक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अपने को कहलाते भी क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान तो नहीं कहते हैं ना, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं, आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। हाँ जी बाबा, बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। शक्तियाँ तो हैं लेकिन बाबा सर्व शक्तियों का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान हो, अब क्या जवाब देंगे? सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान हो? सभी सर्वशक्तिवान हैं। है कोई? फिर से पूछा बाबा ने, जो कहे कि मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? कितना अच्छा टीचर है, एक एक बात को पढ़ा करके पक्का कराता है, जिससे बच्चे बाबा को ये उलहना ना दे सके, बाबा हमने समझा नहीं था। उसने बाबा कहता है ना, वतन में टीवी है, अगर बच्चे कहेंगे हमने नहीं सुना तो बाबा वो हाथ उठाया हुआ टीवी का दृश्य आपको दिखाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा अब सुनो, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं, जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के स्वभाव संस्कार के, शक्तियाँ हैं ना, तो हर प्रकृति के माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो। जब किसी भी प्रकार का वायुमंडल बना हुआ हो, कोई परिस्थिति हो चाहे प्रकृति की हो, तो उस समय पर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये प्रकृति माया संस्कार वायुमंडल या संग दोष, कितनी बातें हुई? 5। तो बाबा ने कहा पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। कौन सी 5 बातें हैं? प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल और संग दोष। एक भी अगर शक्ति माना 5 में से किसी को भी इजी छोड़ा तो वार करते हैं। ये 5 शीश वाला सांप है, इस सांप पर अर्थात 5 शीश पर अधिकारी बन डांस कर सकते हो। हम इनके वश नहीं हैं, माया हमें वशीभूत नहीं कर सकती है, संस्कार हमें नहीं खींच सकते हैं। इन 5 सांपों के ऊपर बाबा ने कहा आप डांस कर सकते हो, वो भी अधिकारी बन करके करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। आप 5 पर करते हो या 5 में से एक कोई निकल आता है जो आपके ऊपर डांस करता है।
ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे, इन पांचों के ऊपर डांस करते हो या इन पांच में से कोई एक निकल करके आपके ऊपर डांस करने लगता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी नहीं, सपेरा बीन बजाता है तो सांप कितनी अच्छी डांस करता है। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते हैं? अब देखना अंदर में, बाबा तो एक की बात कर रहा है या वन बाय वन, कभी तो माया आ जाती है, कभी प्रकृति वश कर लेती है, कभी संस्कार के वश हो जाते हैं तो सांप बाहर निकलते हैं या सांप के ऊपर हम हैं। बाबा ने कहा, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, सांपों का खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, खेल देखने में लग जाओ। पांच ही सांपों को गले की माला बना दी है, खेलो नहीं उसको, अपने गले की माला, विजय माला, शेष शैया बना दी है। एक टाइटल दिया गले की माला, तो सर्प दिखाते ना शंकर के गले में माला के रूप में, तो इन पांचों सर्पों को क्या बना दो, गले की माला, अथवा दूसरा टाइटल दिया शेषैया, डांस का मंच बना दिया। आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, अंतिम स्थिति हमारी क्या है, अशरीरी की, तो उसको बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं। बाबा की माला का नजदीक का मन का बनना है, माला के मन के कौन कौन है, सब है। अब उसमें फिर बाबा कहता है नजदीक का मन का बनने के लिए ये स्थिति चाहिए, अशरीरी बन करके, ये हमारी अंतिम तपस्या का रूप है। उस अशरीरीपन को उन्होंने क्या दिखाया, शंकर के रूप में दिखाया, और शंकर को कैसा दिखाया, वस्त्र के बिना दिखाया, ये हमारी अशरीरी स्थिति का यादगार है। और गले में सर्प दिखाया क्योंकि पांचों पर उसने विजय प्राप्त की हुई थी। तो बाबा ने कहा जब ये माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय, समय के अनुसार विशेष, ध्यान से सुनना किस चीज़ की आवश्यकता है, वर्तमान समय, समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। दोनों शक्तियां चाहिए, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। बुद्धि में फूल है लेकिन उसको कर्म में चाहिए। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं ये नहीं है, बच्चों के पास में शक्तियां हैं, तो बाबा ने कहा शक्तियां नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, जब हमारे पास में शक्तियां हैं तो फर्क क्या पड़ता है। समय पर जो शक्ति
जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर विधि पूर्वक यूज करने में कार्य लगाने में अंतर पड़ जाता है। समझा अंतर? शक्तियां सभी के पास में है, अंतर कौन सा पढ़ा? रिपीट करो। समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, शक्ति की स्मृति है, यह मुझे सहन करना चाहिए, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं। सकाश सेवा का आधार ही यही है, स्वरूप स्मृति, स्वरूप स्थिति। जब तक हम स्वरूप नहीं बने हैं तब तक सकाश की सेवा नहीं कर सकते। तो आज बाबा हमें पहले से पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है, ये रिजल्ट सुनाया। स्मृति तो ज्यादा रहती है लेकिन समर्थी कभी कम कभी ज्यादा। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजयमाला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, स्मृति से समर्थी और समर्थी को स्वरूप में लाओ, अर्थात कर्म में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान बहुत अच्छी रीति से हमारे मन बुद्धि में स्पष्ट है। पहले ये सारी बातें ज्ञान की हमारे पास नहीं थी, आज पुरुषार्थी वहाँ पर ही भूल कर लेता है, क्योंकि हम समझते हैं मैं तो सब कुछ जानते हूँ, नॉलेज फुल है हमारे पास में, लेकिन बाबा उसका कर्म में यूज़ करें, स्वरूप बन करके वो चाहता है। ये हमारी सिद्धि है, ये हमें विजयमाला का मणका बनाएगी। तो बाबा ने कहा अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ, अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, नयनों से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से। कैसा हो हमारा बोल समर्थी स्वरूप आत्मा का? बाबा ने कहा दूसरा भी समर्थ बन जाए, यही बोल की ताकत। समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थि का स्वरूप दिखाई दे। चलते फिरते कार्य करते हम क्या दिखाई दें? क्या दिखाई दें? फरिश्ते। फरिश्ता कैसा होता है? उसके बोल में जोश होगा, आवेश होगा? नहीं, कार्य कर रहा है लेकिन निमित्त मात्र। बुद्धि कहाँ है? बाबा के पास है। तो बाबा ने कहा साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। अब तीसरी बात पर बाबा आया। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया, वतन में श्री बाबा ने
ब्रह्मा बाबा को सैर कराया। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए। बाबा 69 में अव्यक्त हुआ, उसके बाद की जो ब्राह्मण रचना है वो सब श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा को वतन में दिखाए। तो वो कितने होंगे? बाबा ने कहा साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। जब बाबा साकार में थे तब कितने थे? 16,000 भी नहीं बने थे, और अभी कितने हैं? लाखों हैं। और ये 2001 में बाबा ने मुरली चलाई तब भी बाबा के लाखों बच्चे थे। तो ये रचना अव्यक्ति रचना ज़्यादा है। बाबा ने कहा हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना? आप सब कब निकले? अव्यक्ति रचना है ना, साकार के समय के तो नहीं है ना। तो बाबा ने कहा आप लोग भी हैं ना, और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। जब श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा को मिलाया तो बाबा ने सबको शक्तिशाली दृष्टि दी। गिफ्ट क्या दी? अभी यहाँ जो बैठे हो वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। सारे हैं? सारे हैं, क्योंकि सेंटर ही बाबा के अव्यक्त होने के बाद में खुले हैं, तो रचना कौन सी होगी, बात की होगी ना। तो बाबा ने कहा बहुत, हाथ उठाओ, मेजोरिटी हैं। अच्छा नीचे करो, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया। तो बाबा के सामने आप सब थे, तो वो महसूस करो बाबा इमर्ज करके दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ। क्योंकि संख्या बहुत थी, यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, भले हमारा डायमंड हॉल कितना भी बड़ा है, लेकिन सभी सेंटर्स की और बाबा के अव्यक्त होने के बाद की रचना को बाबा इकट्ठा करे तो बैठ थोड़ी सकते हैं। वतन में तो सब इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे करके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे भी ज़्यादा खुश हो रहे थे। जब इतनी सारी रचना बाबा को दिखाई दी तो हर एक बाप को खुशी होती है ना, ये मेरे इतने ढेर सारे बच्चे हैं, ये मुख वंशावली। तो बाप दादा उनसे भी ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। अब सौगात क्या थी? बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था। सुनी सौगात? बेदाग हीरों का चमकता हुआ कमल पुष्प था। तो बाबा ने कहा वो जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी। इमर्ज करो डायमंड का लोटस कमल, और उस कमल के एक एक पत्ते में अलग अलग शक्तियाँ हैं। जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी, पवित्रता की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, तो एक एक का उसके अंदर अलग अलग कलर में चमक रही थी।
वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, वो कितना शोभनीक होगा। आया आपके इमेजिनेशन में? बाबा ने जो गिफ्ट दी बेदाग डायमंड का, क्या दिया? कमल। और उस कमल की विशेषता क्या थी? एक एक पंखुड़ी के अंदर में शक्ति थी, और शक्ति में क्या था? कलर थे। तो सारा कमल चमक रहा था। बाबा ने फिर से पूछा, इमर्ज किया? डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, फिर एक एक को पक्का करा रहा है, समझा? पांडवों ने इमर्ज किया, और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया, माताएं कैसे रह जाएं? हाँ, तो बाबा कहता है मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। किस किस माता ने इमर्ज किया कमल? सबने किया। अच्छा, माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सुनो शक्ति हो अपनी विशेषता, कौन गुण गा रहा है? भगवान। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई? आप अपनी पास्ट लाइफ को देखो, क्या गेंगे करने वाले थे, और आज आप जब किसके सामने खड़े होकर के ज्ञान सुनाते हो, क्या शक्ति है? तो बाबा ने कहा इतनी ढेर सारी माताएं क्या बन गई? शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। वो अपना गृहस्थी स्वरूप छूटा, अब पवित्रता आई, उसके आधार से देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजोरिटी माताएं दिखाई देती हैं, तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया। बाबा के उस प्यार को महसूस करो। अव्यक्त रूप में बाबा आज भी भले साकार नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य निभा रहा है, बच्चों को वो प्यार की पालना दे रहा है। और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया। अब आगे बढ़ो, बच्चों को दृष्टि दी, दृष्टि देने के बाद में बच्चों को गिफ्ट दी। अब गिफ्ट देने के बाद क्या करते हैं? बच्चों को घुमाने के लिए ले चला। बड़ा प्यार बाबा को अपनी रचना से आ रहा है। हा? तो बाबा ने कहा वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया, और साथ में सागर भी इमर्ज किया। किसी को सागर के किनारे घूमने अच्छा लगता है, किसी को बगीचे में घूमना अच्छा लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगे, बाबा ने वतन में सब इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। चाहिए अव्यक्त पालना है बाबा की। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया। बॉल और बैट, बॉल का खेल नहीं कराया। घुमाया जरूर बाबा ने, लेकिन खेल नहीं कराया। कोई सागर की लहरों में लहरा रहे थे, तो कोई पहाड़ी पर बैठे थे, तो कोई बगीचे में घूम रहे थे। अब आप अपने से पूछो, बगीचे में कौन कौन गया? बगीचे में कौन कौन गया? सागर में कौन गया? और पहाड़ी पर कौन जा करके बैठा? हम सब बाबा के साथ हैं ना। उस दृश्य को इमर्ज करो, वो आनंद आत्मा ले, उस सागर में लहरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बगीचे में हम बाप दादा के साथ घूम रहे हैं, उसका आनंद है। किसी को पहाड़ी पर बैठ करके सब तरफ का देख रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा
तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया। अब वरदान सुनो, लास्ट गिफ्ट मिल गई, घूम लिया, अब वरदान। सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो और उड़ते रहो। सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। ये विशेष मंत्र है, वो वरदान था, अब मंत्र आया, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। आपकी तिजोरी भरी पड़ी है लेकिन बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये बुद्धि की तिजोरी में तो सब कुछ भरा हुआ है। अब बाबा क्या चाहता है, कर्म में स्वरूप में लाओ। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्हों में कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। सुना क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? बाबा का सहयोग मदद तो मिल रहा है, लेकिन साकार में भी उन बच्चों को आपसे मदद और सहयोग की आवश्यकता है। हम कब दे सकेंगे, जब हम खुद समर्थ स्वरूप होंगे। ये बाबा आज पढ़ा रहा है समर्थी पर। हम जिस समय पर मीटिंग करेंगे तब ये मुरली आएगी आज के सकाश में। तो बाबा ने कहा समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। केवल पालना नहीं, लेकिन उनको क्या चाहिए, शक्ति, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो 2001 तक 9 लाख तैयार नहीं हुए थे। आप में से जो बैठे हैं, जो 2001 से ज्ञान में आ गए हैं, वो हाथ खड़ा करो। पहले से तो हैं, लेकिन 2001 के बाद में जो आए हैं। अच्छा, बाद के ज़्यादा हैं। तो बाबा ने कहा तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी है वो भरते जाओ। हम कहते हैं ना कि इसके अंदर में बहुत आलस है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो बाबा आज क्या पढ़ा रहा है, उसमें जिस शक्ति की कमी है उस कमी का वर्णन नहीं करो, आप उसको वो शक्ति भरो, चाहे दृष्टि से, चाहे वाणी से, चाहे संबंध संपर्क से, उनको शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा ने कहा
विशेषता व जो शक्ति की कमी है वो भरते जाओ। आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, ये तो कॉमन है, समझा। आवश्यकता किस चीज़ की है? आत्माओं को शक्तिशाली बनाए। तो बाबा ने कहा अभी इसकी आवश्यकता है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो, करने बिना रह नहीं सकते हो, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशंस आत्माओं को अनुभव हो। वाणी का ज्ञान तो सुना, लेकिन शक्तिशाली वाइब्रेशंस का अनुभव हो। शक्तिशाली सेवा हो, साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं। जब पार्टी जाती है, जो जा रहे होते हैं तो दूसरे उनको क्या बोलते हैं? आप हमारी बाबा को याद देना। तो वो बाबा जानता है कि सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है। सुना, आपने कहा, लेकिन बाबा के पास पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। किसी भी साधन से बाबा को याद भेजी बच्चों ने, तो बाबा कहता है बाबा के पास में वो पहुंचती है। हमारी तो बाबा के पास पहुंच जाती है, बाबा की याद हमको पहुंचती है? बाबा की याद हमको पहुंचती है? एक बाबा का बच्चा था, काफ़ी वर्षों की बात है, तो बाबा को मैसेज भेजा कि मैं बाबा को याद करता हूं तो मेरी याद बाबा को पहुंचती है। संदेशी को बोला बाबा को पूछना मेरी याद पहुंचती है। तो बाबा को संदेशी गई, तब बाबा को पूछा कि बाबा उस बच्चे ने आपको याद दी है और पूछा है कि उसकी याद बाबा को पहुंचती है। तो बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बाबा को बच्चे की याद पहुंचती है, बाबा भी बच्चे को रिटर्न में याद देता है, लेकिन बच्चे का रिसीवर ठीक रखा हुआ नहीं, इसलिए कैच नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम याद नहीं करते हैं, बाबा भी उसको स्वीकार करता है, लेकिन करेक्शन फिर भी कहाँ आता है? बुद्धि में आता है। ये एक लाइन क्लियर नहीं। तो बाबा ने कहा साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है, और साधन से भी ऊंची याद कौन सी है? सबसे ऊंची याद कौन सी है? दिल के आवाज की याद भी पहुंचती है। मेल ईमेल नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो निश्चय बुद्धि आत्माएं दिल से बाबा को याद करती हैं, तो वो दिल का आवाज बाबा को सबसे पहले पहुंचता है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। सुना, तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से या भिन्न भिन्न साधनों से
याद प्यार भेजा है उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी और बाप ने एक का बाबा कितना रिटर्न देता है, बाप पदम गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। सुना लकी सोल्स ने, हमने तो एक बार याद प्यार भेजा और उसने पदम गुणा दिया। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले चाहे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हर एक में हिम्मत उमंग और उत्साह देने के उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं। अब बाबा संगम भवन वाले बच्चों से बात कर रहा है, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। संगम भवन वाले है ना, स्टेशन पर पार्टी को ले जाना, करना टिकटों का बुक कराना, सारा दिन सारी रात वहाँ काम चलता है। और फिर किसी का भूल गया, किसी का गुम हो गया, कोई वहाँ ट्रेन में उतर गया, कोई चढ़ गया, वो अलग अलग प्रश्न, वो अलग रहे तो सारे बिजी रहते हैं। तो उसको बाबा ने कहा है, वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है। ट्रेन आती है तो क्या करते हैं, उधर उसका कंपार्टमेंट चला गया, दौड़ करके उनको चढ़ाना और उतारना, ये सारी सेवाएं करते। हाँ, तो बाबा ने कहा संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो। फिर पांडव भवन वाले मधुबन की चार भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, समझा, इन सबको याद कर लिया, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर्स से भी सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल याद प्यार। सुना, उनको संकल्प चला होगा किसको, तो बाबा को पहुंचा, तो उनको बाबा ने याद प्यार कैसा दिया, बाप दादा आया, फिर दादियाँ आई, फिर ब्राह्मण परिवार, तो डबल ट्रिपल याद प्यार। बाप दादा सदैव सुनाते, विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। विदेशियों का कल्चर क्या, खाना पीना रहना सब अलग, उन सब दीवारों को तोड़ करके बाबा के बन गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं। और लगता ही नहीं है कि ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं। और वो भी बड़े गौरव से बोलते, आई एम ब्राह्मीन। तो बाबा ने कहा अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे, भविष्य में भी तो उनको कहाँ आना है,
भारत भूमि तो स्वर्ग होगा ना, इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है देहे भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आज का बाबा का अव्यक्त इशारा है प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी रहे। सुनी प्रीत बुद्धि की परिभाषा, क्या कहा? बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी रहे। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति वा वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी भी विमुख हो नहीं सकते। समझा बाबा का अव्यक्त इशारा? तो आज बाबा ने हमें सकाश के बारे में जो मीटिंग करनी है उसके पहले सारे